Thank you, sir. Your presentation was very good. My name is Dr. Zishan Khan. I am a medical professional. So, sir, ये सारा कुछ ठीक है. Beautification और greenery बहुत अच्छी चीजें हैं. लेकिन कुछ चीजें एक्सट्रावेगेंस में चली जाती हैं. वो अपनी हद क्रॉस कर रही हैं. वो लिमिट्स नहीं देख पा रही. कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनमें काफ़ी फैसिलिटीज़ की कमी है. वो पूरी नहीं होती. ग्रीनरी नो डाउट किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? अगर मोर रोड पर कुछ जगह फाउंटेन्स लगे हैं तो वो उस लेवल पर चला ना जाए, भी फाउंटेन्स ही लगाते जाना है. और जो हॉस्पिटल्स हैं और जो एजुकेशन सेक्टर की बेसिक्स नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही. ठीक है, आप ग्रीनरी करें, बहुत करें, लेकिन उन चीज़ों को फॉरगेट ना करें, ताकि फ्यूचर तो बेसिकली वही है. तो काइंडली आप इस पर रिस्पॉन्स दें. बुनियादी तौर पर आई वॉन्ट डिसग्री विद यू एट ऑल, लेकिन वन, आई एम नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए डिपार्टमेंट. So I have a role to play. When I was a person in charge of greenery, मैं अस्पताल तो ठीक नहीं कर सकता. ठीक, so I have no role to play. But planning के भी हमारे माहरीन बैठे. I think you have to plan. There's a certain budget, there's a certain space, there's a certain time. So उसी में रहकर you plan up your country and your city. कि इसमें कितना बजट किसको एलोकेट करना है, कितना किसको करना है. और यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस एंड दैट देन इट डिपेंड्स आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है. आई टोटली एग्री, फर्स्ट थिंग्स शुड बी फर्स्ट. जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी काम हैं, उनको फौकियत मिलनी चाहिए. लेकिन अगर आप ये कहें कि पहले वो ठीक होंगी तो फिर हम कुछ और करेंगे, ऐसे भी नहीं होता. ठीक है ना, साइड बाई साइड चलती हैं. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनको नज़रअंदाज करके या उनको पसे पुश डाल के, गोन पे भी काम हो रहा होता है लेकिन वो इतना शायद जल्द नज़र नहीं आता और कई दफ़ा प्रायोरिटीज़ में इशू आ जाता है. लेकिन वी मस्ट गिव ड्यू प्रायोरिटी टू सच बेसिक थिंग्स. सो आई डेफिनेटली एग्री. बट यू सी, इवन इन फॉरेन कंट्रीज़ स्लम्स भी हैं, गुर्बत भी है, लोग रोड साइड पे भी सोते हैं, इवन इन पेरिस और समवेयर. तो आप ये नहीं कह सकते, वो मुश्किल होगा कि अच्छा, पहले कई दफ़ा एंटरटेनमेंट पे, रिक्रिएशन पे मैंने ये सवाल होते देखा है. आपने तो ज़्यादा बेहतर तवज्जो दिलाई है. कई लोग कहते हैं ये क्या आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, मेले ठेले के शौकीन बने हुए हैं, जाएँ देखें लोग मर रहे हैं, लोग गुर्बत में या बीमारी में या जंग में उसकी हालत में है, तो आप यहाँ पर. तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि पहले मैं इंतज़ार करूँ कि सारी दुनिया बासहत हो जाए, जो कि हर जुम्मे बड़ी दवा भी की जाती है फिर भी नहीं होते, तो और सारे मसाइल ठीक हो जाएं, तो फिर मैं कोई ढोल बजाना या गाना गाना सी. इट डजंट वर्क दैट वे. लाइफ इज़ फुल ऑफ pain and pleasure both, and they both. I am one of the leading call center of the city. I am a big fan. आपके बारे में एक आर्टिकल जावेद चौधरी, एंकर ऑफ एक्सप्रेस न्यूज, उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया. आई वॉन्ट टू आस्क द सेम क्वेश्चन. वो पूछते हैं कि जो सिविल सर्वेंट में जो ऑफिसर्स हैं जो काम नहीं करते और रिटायर हो जाते हैं, ऐसे उनसे कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन आपने जितना काम किया उतने ही आपको केसेस का सामना करना पड़ा. जैसे सीडीए का एक प्रोजेक्ट आपने इस्लामाबाद में वो क्लब की सूरत में शुरू किया और आपको वो शायद आप अभी भी फेस कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ योर व्यू, ऐसा क्यों है, ये आपके पीछे लोग क्यों पड़ते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है जी, और मेरे आपने नब्स पे हाथ रख दिया है, तो दुखती पे. यूँ है, मुझे यूँ लगता है कि we have to be very clear what do we hold our civil servants accountable for. accountability honi chahiye, duniya mein har jagah hoti hai, har organization mein hoti hai, gharon mein hoti hai, private sector mein hoti hai, why not in public sector? surely we are
यूजिंग द गवर्नमेंट फंड्स तो हमारी तो सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉट? अकाउंटेबिलिटी, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, माई अकाउंटेबिलिटी शुड बी, एज आई अंडरस्टैंड, फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस. आई हैव नेवर बीन एंड नोबडी हेल्ड मैं क्या कोई भी अकाउंटेबल कि आपने ये पब्लिक डिलीवरी करनी थी, आपने ये नहीं की. जब भी अकाउंटेबल हुआ हूँ, ये आपने की है, ये क्यों और कैसे कर ली है. सो मेरे ख्याल से द होल पैराडाइम इज सेल्फ डिफीटिंग. इफ यू डोंट डू एनीथिंग, यू आर सिक्योर, यू विल गेट योर ग्रेड्स, यू विल गेट योर प्रमोशंस. हाथी घोड़ा गधा सब एक दफ़ा सर्विस में जब आ जाते हैं एक बराबर हो जाते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो ज़्यादा महफूज होते हैं, ज़्यादा उनका इमेज अच्छा रहता है, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भाई तुमने कुछ किया भी है कि नहीं. वो कहते हैं नहीं जी, इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं आई, इसलिए ये बहुत अच्छा अफसर है. और सो एक्शन इज़ क्वेश्चन्ड एंड इज़ मलाइंड एंड इज़ सस्पेक्टेड इन दिस कंट्री एंड वी स्कैंडलाइज इट वी, बट इन एक्शन इज सिक्योर, वेस्टेज इज ओवरलुक्ड. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 13 साल अगर एक मॉल रोड जैसी जगह पर एक बिल्डिंग गिर के यूं पड़ी हुई हो, दे विल नेवर बी ए वरी ऑन दैट. सो ये एक इशू है जिसको कभी हमें एड्रेस करना है कि हाउ कैन वी सिक्योर परफॉर्मेंस एंड एक्शन एंड मेक पब्लिक सर्वेंट्स एनेबल देम टू डू दैट. जी थैंक यू कमरान साहब. As always, you know, you've done some excellent work, and mashallah, we've all enjoyed the benefits of perfect law and beautiful city thanks to you. But you have talked about it, but it's a very interesting question. For example, you said that food street development was not sustainable. And the question that arises, which you have done, is how dependent is it on just you? Can you sustain it or can it not sustain? इसके साथ रिलेटेड सवाल ये है कि हाउ मच वुड यू बेनिफिट अगर लोकल गवर्नमेंट हो, फॉर एग्जांपल हाउ मच वुड यू बेनिफिट इन दिस एरिया और डेवलपमेंट ऑफ सिटी अगर लोकल गवर्नमेंट हो. हाउ मच हैव वी सफर्ड बाय द फैक्ट कि लोकल गवर्नमेंट नहीं है आपके ख्याल में. और नंबर 3 एक और चीज़ है, आपने जो फूड स्ट्रीट में किया था इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो सारी प्राइवेट थी, आपके तो पैसे मेरे ख्याल बहुत कम लगे होंगे, है ना. तो पब्लिक स्पेसिस की जो आपने बात की, वजह थी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बहुत कम है. हाउ कैन वी मल्टीप्लाई पब्लिक स्पेसिस इन दिस सिटी? आई फाइंड कि हम तो बहुत ही डिप्राइव्ड हैं पब्लिक स्पेसिस. हमारे पास यहाँ बड़े पार्क्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर वगैरह, ये इस तरफ क्या जा सकते हैं विदाउट लोकल गवर्नमेंट? सॉरी फॉर लोडिंग ऑन सम क्वेश्चंस. सर पहली बात तो ये जो आप इफ़ आई गो इनटू दैट ऑर्डर कि गवाल मंडी एंड अदर प्रोजेक्ट्स वो सस्टेनेबल क्यों नहीं हुए, पता नहीं. देर इज सम प्रॉब्लम समवेयर. वन इज टू मी इट सीम वी हैव समहाउ बिकम जॉय किलर्स. हमें खुशी रास नहीं आती. आप बसंत ले लीजिए, आप जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं इन, आज अगर हम एक नया इवेंट क्रिएट करना चाहें बसंत जैसा, तो शायद पूरी हुकूमतें भी इकट्ठी हो जाएं तो वो नहीं कर सकेंगी, और करोड़ों रुपए के बावजूद नहीं कर सकेंगी. लेकिन एक बने बनाया 500 साल पुराना मॉडल, वो हमारे हाथ से, हमने खुद उसको, इसी तरह ये फूड स्ट्रीट है. तो आई डोंट नो, उसमें समटाइम्स इश्यूज क्रॉप अप डिफरेंट. मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में देखा है कि वो उसकी वो सूरत रहती नहीं है बाद में आप चले जाएं, चूँकि अभी एस्थेटिक्स और अबाइडिंग बाय सर्टेन रूल्स. क्योंकि व्हाट इज एस्थेटिक्स? इट्स डूज एंड डोंट्स, कि ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आपने अपने वक्त में तो शायद किसी हद तक उसको राइज कर लिया, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो नए शख्स का उस तरह उसके साथ नहीं होता. और वो जिसको आपने चीज़ दी होती है, मतलब जो जगह मैंने लेट्स सपोज ये दी एक मिनी गोल्फ के लिए, वॉज अ वेरी आर्टिस्ट्री पर्सन, एस्थेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसलिए दी कि वो सिर्फ ये करेगा एक
बाद में उसने जॉयलैंड का जब चले गए कुछ सिफारिशें डलवा के प्रेशर करके तो सो कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि नेचर और हिस्ट्री में शायद हमें जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम अभी उतने डिसिप्लिन नहीं हुए कि हम अपनी जगहों को उस तरह रख सके सो बहरहाल लेकिन फिर भी ये मे बी दिस इज़ ट्रेनिंग ऑल्सो कई बड़ा अच्छी मिसाल है जैसे मुनाल है अब वो एक प्राइवेट सेक्टर ने एक अच्छे हाथों में है उसको आज 10-12 साल हो गए होंगे उस बात को बहुत पॉश रखा हुआ है बहुत प्रॉपर रखा हुआ है सो देर आर गुड एग्जाम्पल्स एंड देर आर लेकिन दूसरा आपने कहा कि सॉरी आप लोकल गवर्नमेंट टू बी ऑनेस्ट मैं कोई बहुत अच्छी मिसाल अपने मुल्क में उसकी देखी नहीं शायद वो चलता रहे 50 साल बाद उसकी बन जाए तो और बात है लेकिन इन चीज़ों में ख़ास तौर पे ब्यूटिफिकेशन वगैरह में तो आई थिंक दे क्रिएट अ ह्यूज मेस यू लुक व्हाट दे डिड टू मरी इट हैपेंड मेनली ड्यूरिंग द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अभी हमने हाल में ही SCDA में मेयर लाए व्हाट मुझे क्या कहते होते थे जी आप सिविल सर्वेंट्स क्यों बरजमान हुए हुए हैं पब्लिक बॉडी पे यहाँ पे तो इलेक्टेड शख्स आना चाहिए यू वो हमारे ही बहन भाई होते हैं हम सारे एक जैसे ही हैं लेकिन ले आइए उनके मसाइल हमसे ज़्यादा है क्योंकि हम फिर बहुत सारी जगहों पर ना कहना जो है सीख लेते हैं लेकिन उनके लिए वो खोखो मतलब रावल लेक में खोखस्तान बन गया है दामने को में क्योंकि उन्होंने हर शख्स को अब्लाइज करना है इन्हों दे दो जी इन्हों खोखा ला लेगा उनके लिए वो पार्क सब लड़ी खोखा प्लेसेस हम एक एक उसकी साइनेज और उसके एक एक रंग को देखते हैं वो कहते हैं दे दो जी खोखे दे दो सो आई डोंट थिंक दे हैव रीच्ड टू अ लेवल वेयर दे अंडरस्टैंड एनी एस्थेटिक्स एनी ऑर्डर डिसिप्लिन हाँ नालियाँ बनानी लाइटें लगानी इन चीज़ों में लोगों के साथ उनका हमसे ज़्यादा होगा कनेक्शन और शायद हमसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई डोंट थिंक आर देयर फोर्टे तो बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के और बड़ा काम किया माशाल्लाह जो तफरी है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये होनी चाहिए लेकिन मेरा भी 30-35 साल का मास्टर प्लान का एक्सपीरियंस है टाउन प्लानर हूँ मैं बेसिकली लैंड यूज़ और लैंड यूज़ कंट्रोल आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए होंगे वहाँ मुश्किल आती है जैसे आपने कहा मस्जिद मीर खान एक आदमी 25 साल से वहाँ लोहे की दुकान वेल्डिंग कर रहा है उसके रोज़गार से उसका ताल्लुक है लेकिन जिस दिन वो स्टार्ट किया था उस दिन से ही उसको स्टॉप करने के लिए कोई ऐसे निज़ाम हमारे यहाँ होने चाहिए आपका शोबा तो मास्टर प्लान का एक रुख है बाकी दूसरे रुख भी होते हैं तो बेसिकली हमारे मुल्क में जो है वो लैंड यूज़ मास्टर प्लान कंट्रोल सिस्टम नाफिज होना और कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना कंटिन्यूसली होता ये है कि जैसे मुझे याद है मैं CDA में था 1976 में मैंने एक साल जॉब किया CDA में जी हाँ डॉक्टर सेठी के सारे प्लान हम छोड़ते उसने 70 रिपोर्टें लिखी उसने हर एक चीज़ उसने लिखी थी लेकिन उसने इस्लाम रावलपिंडी के बारे में भी लिखा था और पाकिस्तान के शहरों के बारे में उसने लिखा था कि शहर 25 साल बाद 40 साल बाद ये कैसे होंगे इनको कैसे करना है लेकिन हमने वो नहीं कर सके इसलिए कि हमारे यहाँ ज़मीन जो है वो प्राइवेट मिल्कियत है लोगों की स्टेट लैंड नहीं है जबकि उस पर जब हम कंट्रोल करते हैं तो इतने कवानीन आड़े आते हैं हमारे यहाँ कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता जब कन्वर्शन होती है लैंड यूज़ की वन यूज़ से दूसरे यूज़ में उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता तो इस पर आप बताएं कि इस पर क्या हो सकता है कि हमारे मुस्तकबिल में अगर हमारा मास्टर प्लान बने 20 साल के लिए तो कोई हुकूमत कोई चीफ मिनिस्टर उसके अंदर ज़रा भर तब्दीली ना कर सके फिर आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप लोग जो है अपने उसके अंदर रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स बनाएं आप मास्टर प्लान की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आप महफूज नहीं रख सकते जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वहाँ कौन से सो अभी इट्स नॉट दैट ईजी मैं फलसफी तौर पे जानने की कोशिश की कि व्हाट इज़ ब्यूटिफिकेशन व्हाई डज समथिंग लुक ब्यूटिफुल एक राइटर मुझे पसंद है विल ड्यूरांट ही सेज ब्यूटिफिकेशन इज हार्मनी प्रपोर्शन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड समथिंग लाइक दैट अगर इन चीज़ों को आप ले लें और आप अपने सेटअप में देखें तो जो हमारे बाबा कौम ने तंजीम का एक लफ्ज़ कहा
تو جو سب سے زیادہ ہمارے میں فقدان ہے وہ تنظیم کا ہے. How can you create any beauty when there is no order? So when things fall in certain line, in certain form or proportion, they start looking beautiful. But here, it's a most chaotic situation in the public spaces. And you go even to the best of places of Pakistan. آپ پارا چلے جائیں, ڈی ایچ ایس چلے جائیں, یہ ہمارے ملک ہے. اینڈ یو سی اٹس اے ہیلٹر اسکیلٹر, اٹس اے موسٹ ڈس آرڈرلی پلیسز. تو کچھ اس میں حکومتوں کا ہے لیکن پبلک کا ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہے, جہاں مرضی ٹیڑھی سیدھی. آپ امریکہ چلے جائیں, ایک ایک انچ آف دا سٹی از مارکڈ. دیر از نو وے دیٹ یو کین ایون آپ کا ٹائر ایک لائن سے ایسے آ کے آپ نے گاڑی کھڑی کر دی. نو یہ ڈسپلنڈ سوسائٹیز کا یہ اصول ہے. اور اربن لائف تو ایک ایک اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے یوں لگتا ہے کہ گاؤں کا کلچر ابھی تک اٹھا کے ان ہارن دیو نا یا کوئی بھائی کیوں کی گل ہے, میں کسی نال گل بھی نہ کراں, وہ سگریٹ منگوا رہا ہے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, وہ لیا بھائی یا لیا وہ, یو نو اٹس اٹس. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس اسٹیج پر آئے ہیں. اور پھر لیٹ سپوز ایون وین وی ٹرائی ٹو ڈو تھنگس, آپ نے مثال دی کہ وہ جب دکان بنا رہا تھا تو ایسا سسٹم ہے نہیں کہ آپ ایک دم کسی پر جا کر سوئفٹ ایکشن لے سکیں. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو پولیس ساتھ بلانی پڑتی ہے, آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, وکلا سے پوچھنا پڑتا ہے, کوئی فورس وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. آپ جائیں تو آگے اسٹے آرڈر ملا ہوتا ہے اور وہ اسٹے نے کب تک اسٹے رہنا ہے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. سو آپ کی وہ سب ایکٹیویٹی یا کسی پولیٹیکل بندے کی انٹرفیئرنس آ گئی ہے تو وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے. اگر وہ مومنٹم کو آپ ایک دفعہ ڈیفلیکٹ کر دیں تو ایڈمنسٹریشن مشینری پھر اسکوئر ون پہ چلی جاتی ہے. تو سو لیکن جہاں عدالتیں ساتھ دیتی ہیں, آپ دیکھیے اب مثلا سی ڈی اے میں رہا ہوں, میرے ہوتے وہ ممکن نہیں ہوا, بعد میں ہو گیا. عدالتوں نے خود کہا کہ جی یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ان دا ریزیڈینشیل ایریاز اس کو ختم ہونا چاہیے. اور بہت بڑے دفاتر, بڑے بڑے کاروبار تھے جن کو ہاتھ لگانا آسان نہیں تھا. ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی شروع میں تو پھر وہی اسٹے آرڈر آ گیا تھا. ایک اسکول کو ہم نے بند کیا تو وہ ہماری طلبی ہو گئی. سیشن جج صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کو صرف یہ اسکول نظر آیا ہے اور ختم کرو اور یہ وہ. لیکن اب عدالتوں نے ساتھ دیا تو اسلام آباد میں ایک آرڈر اور ڈسپلن آیا. اس حد تک میں بات کر رہا ہوں جو سو اٹ ڈپینڈز وین آل انسٹیٹیوشنز سپورٹ ایچ ادر اینڈ دے لک آئی ٹو آئی دین دا ریزلٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. بٹ اف سو یہ جی دو چیزوں کے ریسٹوریشن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شاید آپ کا ڈومین تو نہیں مگر آپ کچھ ان پٹ دے سکیں. ایک تو یہ پبلک لائبریری اور دوسری لاہور کی نہر, کہ جس طرح سیول میں انہوں نے پوری نہر کو ریسٹوریشن کر دیا. ہم بچپن میں دیکھتے آ رہے ہیں, ہم بچپن میں نہاتے ہوتے تھے اس نہر کے اندر, اتنا صاف پانی ہوتا تھا. تو اب یہ ساری گندگی مٹی کسی طریقے سے رک سکتی ہے؟ کوئی ایسا سسٹم ہے, کوئی ایسا گورنمنٹ انٹینشن لے سکتی ہے؟ سب کچھ ممکن ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک تو لوگوں کا اپنا, پیپل ہیو ٹو پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر آلسو. ہم ہر چیز حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, ہمارے میڈیا بھی اسی طرح ہمیں پرابلمس پیش کرتا ہے جیسے کہ یہ صرف حکومت کا کام ہے یا یہ شخص نہیں ہوگا تو یہ بس یہ ہو جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک آئی تھنک لائک دیٹ. یہ ہے وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اف وی آر ہیل بینٹ ٹو لٹر اینڈ کریٹ ڈس آرڈر, پھر کوئی ادارہ اس کو ٹھیک نہیں ایسے کر سکتا. لیکن اب سیوریج واز گوئنگ آف آل دیز آبادیز, تاج پورا, مغل پورا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ان ٹو آور کینال. اینڈ اٹ ہیز پاپولیشن ہی اتنی انکنٹرولڈ ہے. جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی کبھی آم لے کر جاتے تھے نہر پہ نہاتے تھے. تو اب لاہور از ملٹیپلائڈ ایٹ لیسٹ 5 or 6 times from that, or the pressure on
on all our services like sewerage and drainage, etc. तो वो उस तरह उस अब लेकिन मैंने सुना है देखा है कि सीवरेज का किया गया है भगलपुरा को अलहदा दे दी गई है सीवरेज लाइन और उनका सो देर इज़ अ डिफरेंस बट स्टिल अ लॉन्ग वे लोगों ने तो अपनी वाटर बॉडीज दुनिया की टूरिज्म की जगह बनाई होती हैं खूबसूरती और वहाँ प्रॉपर्टी सबसे इधर जहाँ पानी है वहाँ वहीं बदबू है वहीं छप्पड़ है वहीं बीमारी है वहीं मसाइल हैं क्योंकि हमने इस्लाम से सब कुछ सीखा है सिवाय सफाई के और अगर आपने कभी अंदर देखें कि हाउ डिसऑर्डरली अनक्लीन अनकेप्ट पीपल वी आर हमें आज तक अपना वॉशरूम ठीक करना नहीं आया सो दैट वे इट्स अ पेनफुल थिंग बट आई डोंट थिंक वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां हम अपनी वाटर बॉडीज़ को साफ रख सकते हैं सर आई एम सारा मलिक आई एम फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी आई एम बिग फैन ऑफ यू I know I was too late, but especially I come here to attend this city dialogue. Actually, I'm preparing for CSS, and inshallah, I'll be a civil servant. I would like you to advise anything for us as a student, how we can participate to make better our city. You want advice? How can you play? How can we can participate to make our city better? Gee, I think everybody can. Definitely, everybody can. As a civil servant. Ajay, you've already joined civil service? Yes, sir. I'm preparing for CSS. You are preparing. As a citizen, yes, you can. And as a civil servant, there's much more responsibility on you than you should. Not only yourself, but you should make others also try to do that. But as citizens, you see, there's so much that we... मुझे जाती तौर पे ये भी एक लगता है कि हमने citizens of Pakistan को स्टेडियम में बिठा दिया है और अखाड़ा बना दिया है चंद लोगों को जिनमें पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स हैं और खुद बैठ के हम तमाशा देखना चाहते हैं ले भाई आज इन उन्हें सुटी आई तो ए उधर गई आई तो उन्होंने वेखे की होया उनके नाल यू नो और हम समझ रहे हैं वो फटका मारेगा तो शायद ये हालात ठीक हो जाएंगे वो ऐसे करेगा आई मीन वेयर आर द सिटीजन्स कभी आपने टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम देखा है कि वो लोगों को आप आईना दिखा रहे हों कि जी आपने हमने मिलके इस मुल्क को ठीक करना है जो लीडर्स भी होते हैं बहुत अच्छा लीडर भी हो वो भी लोगों के जरिए मुल्क को ठीक करता है हिज जॉब इज़ ओनली टू लीड द पीपल इट्स द पीपल हु मेक द डिफरेंस अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाता है अच्छा सिविल सर्वेंट काम करना शुरू हो जाता है अच्छा स्टूडेंट पढ़ने शुरू हो जाते हैं देन इट्स द सोसाइटी विच मेक्स द डिफरेंस सो इट इज़ नॉट स्टेट का सिर्फ फ़र्ज इतना है कि वो सोसाइटी को बेहतर मौके फराहम करे जहाँ भी मुमकिन हो लेकिन एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी एथिकली स्ट्रॉन्ग पीपल यहाँ पता ही नहीं चलता कि मैं किसी से कोई ट्रांजैक्शन करूँ किसी से कोई बात करूँ ये मुझे सही तरफ ले जा रहा है क्या मैं इससे मोबाइल ख़रीदने लगा हूँ या गाड़ी ख़रीदने लगा हूँ ये नंबर दो है दूध का पैकेट लेने लगा हूँ सब जी सॉरी वो आपका बस माइक नहीं मुझे नहीं सो लेकिन सो सिमिलरली आप अपने इलाके को अपनी जगहों को साफ़ सुथरा रखें कोई स्टेट प्रॉपर्टी को तोड़े नहीं ख़राब नहीं करें अपनी डीलिंग को आप अबव बोर्ड रखें ठीक रखें और जो भी जिस चीज़ में कारोबार में काम में एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू शुड बी ट्रू टू योर स्टडीज़ नकल मारनी छोड़ दें और पढ़ना और सच बोलना देखें और अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करें वही कौमें आज आगे हैं जिनमें नॉलेज और सलाहियत ज़्यादा है तो सो दूसरों में बुराइयां तो हम ढूंढ सकते हैं लेकिन एनीवेज थैंक यू जी बहुत शुक्रिया